अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूँ शनाज और आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे जिसका डिज़ाइन जो है वो देखने में ऐसे लगता है जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई हो, लेकिन ये डिज़ाइन है बहुत ही आसान है। मैंने इसको 10 नंबर नीडल से बुना है और दो तरह के नीडल का इस्तेमाल किया है, एक सर्कल नीडल और स्ट्रेट नीडल। सर्कल नीडल अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्ट्रेट नीडल से भी इसको बना सकते हो, बहुत ही इजी है और ये साइज नंबर 6 वालों को फिट आएगी। बड़ा छोटा साइज आप इसका बना सकते हो, बहुत ही इजी है। आइए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं, लेकिन चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। आइए अब हम इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम 3 कलर के वूल का इस्तेमाल करेंगे और 10 नंबर नीडल में मैंने 107 फंदे डाल लिए हैं। आइए अब हम इसकी बुनाई शुरू कर लेते हैं। बुनाई में सबसे पहले हम उल्टी सिलाई डालेंगे। उल्टी सिलाई बुनते हुए फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट का फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे। जब भी उल्टी सीधी सिलाइयां बुननी हैं तो लास्ट का फंदा भी सेम ही बुनना है। सेकंड रो हम इस तरह से फर्स्ट लूप को निकाल लेंगे और सीधा सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हमें ये वाले रो को कंप्लीट करना है यहाँ तक। उसके बाद फिर से हमें एक उल्टी सिलाई जो है बुननी है, तो 3 रो मैं इसके कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से यहां से बन जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे। उसके लिए हम 3 फंदे इस कलर से बुनेंगे और आगे एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। इस तरह से फिर आगे हमें 3 फंदे बुन लेने हैं। एक फंदे में से फिर से हम 3 फंदे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको बुन लिया और एक बार ऐसे हमें धागा लपेट लेना है, फिर से इसको बुन लेंगे इस तरह से और 3 फंदे फिर से आगे बुनेंगे और एक फंदे में से 3 फंदे बनाएंगे दूसरे कलर से ऐसे। तो इस तरह से हम पूरे रो को बुनेंगे यहां तक, एंड तक। ऐसे अभी उल्टी तरफ आ जाते हैं। उल्टी तरफ अभी हमें क्या करना है, 3 फंदे ये वाले बुनेंगे और ये चौथा फंदा जो है बिना बुने हम निकालेंगे और बीच का फंदा हम बुनेंगे और ये वाला फंदा भी हम बिना बुने निकालेंगे। वो देखें किस तरह से, ये देखें, इसको इसी तरह से हमें बाहर निकाल लेना है और ये वाला जो फंदा है इसको इस साइड से ही बुनना है, यहां से नहीं बुनना, यहां से बुनना है। तो इसे हम ये वाले कलर के साथ बुनेंगे।
और इसको बिना बुने निकाल लेना है। और आगे के तीन फंदे फिर से हम ये वाले कलर के साथ बुन लेंगे। और ये देखें, फिर से ये वाले फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और ये वाले फंदे को ये देखें, ये इस तरह से टेढ़ा सा होता है, ठीक है। यहां से हमें नहीं बुनना, यहीं से बुनना है, ये आप याद रखिएगा। और अगले फंदे को फिर से हम बिना बुने उतार लेंगे। तीन फंदे फिर से बुनेंगे, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे और एक फंदे को बुन लेंगे ऐसी। और अगले फंदे को फिर से बिना बुने उतार लेंगे और तीन फंदे आगे के फिर से बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, और पूरे रो को हमें इसी तरह बुनना है यहाँ तक। ये देखिए जी, ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी अगला रो देखें, इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए ये वाले फंदे को निकाल लेते हैं और ये एक फंदा हम बुनेंगे। और अभी हमें ये दो फंदों का एक करना है, वो किस तरह से करना है ये देखें, ये वाले फंदे को ग्रीन को हम आगे लाएंगे और इसे पीछे कर देंगे इस तरह से, और ये वाले फंदे को हमें ऐसे आगे की तरफ ले आना है। पीछे से बुनते हुए ऐसे, ये देखिए यहां से पीछे से बुनेंगे इसी धागे के साथ ऐसे। और ये जो बीच का स्टिच है ये वाला, इसको हमें नहीं बुनना, इसको बिना बुने हम निकाल लेंगे और ये वाले फंदे को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। और यहां पर भी दो का एक कर देंगे ऐसे, एक फंदे को बुनेंगे और आगे फिर से हमें वही प्रोसेस दोहराना है। ये वाले फंदे को निकाल लेंगे, इसको नीडल में वापस में डाल देंगे और फिर से ये वाला ग्रीन वाला फंदा डालकर इसको पीछे से इस तरह से बुनना है और दो का एक कर देना है। और ये जो फंदा है इसको ऐसे ही निकालेंगे आगे की तरफ से और इस तरह से बिना बुने निकाल लेना है। और ये वाले फंदे को फिर से हमें इस तरह से सीधा करना है, ये देखें ऐसे, और पीछे से बुनते हुए दो का एक कर देना है, ठीक है। एक फंदा बुनेंगे ये वाले फंदे को बाहर निकालेंगे और इसको इसी तरह, इसे नहीं निकालना, ये देखिए ये जो फंदे हैं ये स्किप नहीं होंगे आपसे। ये देखें जैसे इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, इस तरह से भी आप इसे सीधा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने धागे को जो है वो डबल किया है। ये देखें ये वाला फंदा नीचे की तरफ जा सकता है लेकिन ये फंदा नहीं जाएगा, इसको आप इस तरह से निकाल देंगे और ये वाले फंदे को वापस नीडल में डाल लेंगे और यहाँ से फिर से इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे और पीछे से दो का एक कर देंगे। और ये जो बीच का फंदा है जिसे हमने उल्टी सिलाई में बुना था, ठीक है, उसे हमें नहीं बुनना है, इस तरह से बिना बुने इसको उतार लेंगे और ये वाले फंदे को ऐसे ही सीधा कर लेना है और पीछे से बुनते हुए दो का एक कर देना है। ये देखें ये इस तरह से पत्तियां बनती चली जाएंगी, पूरे रो को बुन लेना है
यहाँ तक। ये देखें जी, ये सिलाई जो है वो हमारी इस तरह से बन गई है। अभी उल्टी तरफ आ जाते हैं। अभी हमें ये सारा रो उल्टा ही बुनना है, लेकिन ये जो ग्रीन स्टिच है इसे अभी भी हम नहीं बुनेंगे। इसको बिना बुने इसी तरह निकाल लेना है। तीन स्टिच बुनेंगे, एक स्किप करेंगे, तीन स्टिच बुनेंगे और एक को स्किप करेंगे, तीन बुनेंगे, ये देखिए। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारे चार रो डिज़ाइन डालने के बाद हो गए हैं। अभी ये पांचवा रो है, यहाँ से जहाँ से हमने डिज़ाइन को शुरू किया है। पांचवी रो में हमें ग्रीन फंदे को ही बुनना है, बाकी के फंदे जो हैं वो हम स्किप करेंगे और आगे के तीन फंदे हम बुनेंगे। ये तीन फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। अभी ग्रीन फंदे को हमने सेम वैसे ही बुनना है जैसे हमने शुरू में यहाँ पर बुना था। तो एक फंदे में से हम बनाएंगे तीन फंदे। इस तरह से एक फंदे को हम इस तरह लपेट कर बनाएंगे और दो बार जो है एक ही फंदे में से हमें बुन लेना है, जैसा हमने पीछे किया था। जब आपको फंदों को स्किप करना है तो इस तरह से करना है। अभी आगे फिर से हमें तीन फंदे बना लेने हैं, ऐसे इन फंदों को स्किप कर लेंगे। धागा देखिए हमें ढीला सा ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। फिर आगे हम इन तीन फंदों का एक बनाएंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इन तीन फंदों को स्किप कर लेते हैं और एक फंदे के तीन फंदे बना देते हैं, ऐसे तीन स्किप करेंगे, एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे, ऐसे। तो इसी तरह से हमें पूरे रो को बुन लेना है। यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट की फंदी है, ये देखें, ये भी हम बिना बुने ही उतार रहे हैं। वैसे आप यहीं से टर्न भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको याद रहेगा अच्छी तरह से। ये देखें, ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है ये छठा रो है जो हम शुरू करेंगे, उसमें भी हमें क्या करना है, ये देखें, ये जो फंदे हैं ये हम बिना बुने ही इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। और ये वाले धागे को इस तरफ कर लेंगे, ढीला ही रखना है यहाँ से धागे को, ज़्यादा टाइट नहीं करना। और पीछे की तरफ से यूं बुनते हुए, ये देखें, इस तरह से पीछे की तरफ से बुनते हुए हमें तीन फंदों का एक कर देना है, ये देखें। और धागे को इस तरफ ले आएंगे ऐसे, और ये वाले जो फंदे हैं ये फिर से हम बिना बुने ही निकाल लेंगे। और ये देखें, धागे को इस तरफ लेके जाएंगे और तीन फंदों का एक कर देंगे पीछे से बुनते हुए, इस तरह से।
और ये जो फंदे हैं इनको इस तरह से मोड़ देना है पीछे की तरफ से, और धागे को पीछे ले आना है ऐसे, और तीन फंदे जो है वो हम बिना बुने निकाल लेंगे। धागे को फिर से आगे की तरफ ले आते हैं और तीन फंदों का एक कर देते हैं पीछे से बुनते हुए। और इनको इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ देंगे हाथ से, और धागे को आगे की तरफ ले आएंगे और तीन फंदों का हम इस तरह से बिना बुने स्किप कर लेंगे, यानी बिना बुने इनको निकाल लेना है। धागे को फिर से इस तरफ लेके जाएंगे और तीन फंदों का एक कर देंगे। बहुत ही आसान है ये करना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, हाथ से इन फंदों को ऐसे करेंगे और ये देखें धागे को इस तरफ ले आएंगे और फिर से हम तीन फंदे स्किप कर लेंगे। बस इसी तरह से पूरे रो को बनाना है। ये देखें उल्टी साइड से धागा इस तरह से नजर आएगा और सीधी साइड से ऐसे ये फूल बनता हुआ नजर आएगा। तो इस रो को भी हम यहाँ तक इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट के तीन फंदे हैं, इन्हें भी हम बिना बुने ही इस तरह से नीडल में उतार लेंगे। तो ये वाला रो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आगे देखें, ये देखें ये सीधी साइड से कुछ इस तरह से नजर आएगा। अभी लास्ट का रो है फ्रेंड्स, और इसमें हमें क्या करना है, ये पूरी रो को हमें सीधा सीधा बुनना है। और ये देखें, ये आगे के तीन फंदे हम स्किप ही करेंगे क्योंकि इसकी बुनाई जो है वो की हुई है, धागा हमारा यहाँ पर है ये देखें। तो यहाँ से हम बुनाई को शुरू करेंगे, धागे को इस तरफ कर देते हैं और ये देखिए इस तरह से आपको सीधे सीधे बुनते हुए पूरे रो को बुन लेना है। इसमें कोई भी फंदा जो है बढ़ाना नहीं घटाना नहीं, और पूरे रो को एक ही रंग के साथ हमें बुन लेना है ऐसे, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ। ये डिजाइन फ्रेंड्स इन्हीं सात रो का है। ये देखें ये इस तरह से बन जाता है। अभी हम एक उल्टी सिलाई डालेंगे और ये देखें ये धागे हमारे इस तरफ है, यहाँ पर हम फिर से जो है रो को ले आएंगे ये वाले धागे को, और आगे फिर से हम डिजाइन बनाएंगे। उसमें हमें क्या करना है, इसी लाइन में इसी तरह आगे नहीं बनाना, बीच में हम डिजाइन बनाएंगे दो फूलों के बीच में एक, वो मैं आपको बताती हूँ शुरू करके कि किस तरह से हमें शुरू करना है और बनाना है। बाकी सारे जो है यही सात रो हैं जो बनाकर आपको आगे उसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक मैं इसे बना लेती हूँ। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है उल्टा उल्टा बुनते हुए। अभी सीधी तरफ आ जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये वाले डिज़ाइन को फिर से हम दोहराएंगे, लेकिन उसको हम यहाँ पर ये वाले जो ये वाला जो फंदा है यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखें यहाँ सेंटर में आने के लिए हमें ये पांच फंदे बुनने होंगे, ठीक है। बस और कोई चेंज नहीं है। शुरू में हमने तीन फंदे बुनकर जो है डिज़ाइन शुरू किया था, अभी हमें पांच फंदे बुन लेने हैं।
बाकी सारा वही 7 रो ही दोहराए जाएंगे। ये फर्स्ट रो जो है डिजाइन शुरू करने का वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये सेंटर का जो है फंदा आ गया है और यहीं पर हमें यहाँ से उठाकर धागे को पीछे से थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे पीछे की तरफ और यहीं से एक फंदे का 3 फंदे बना लेंगे। और आगे सेम वैसे ही करना है, 3 फंदे बुनेंगे और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस ये देखें, 3 फंदे बुने और ये सेंटर का फंदा जो है वो आ गया है और उसमें हमें फिर से 1 के 3 फंदे बना देने हैं। ये देखें ऐसे, और फिर 3 फंदे बुन लेने हैं। कोई चेंज नहीं आगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है सेम ऐसे ही 7 रो का ये डिज़ाइन आगे बन जाएगा। बस आगे आपको 5 फंदे बुन लेने हैं ताकि ये फूल जो है वो सेंटर में बने। तो मैं इसे इसी तरह सेम ऐसे ही बुनते हुए जैसे यहाँ पर हमने 7 रो बुने हैं इसे कंप्लीट करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एंड में जो है 5 फंदे ही आपके बचेंगे। ये देखें, यहाँ पर आप बनाएंगे फ्लावर और 5 फंदे इस तरफ आपके बचेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, सेम 7 रो आगे जो है बुने जाएंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखें जी, अभी ये डिज़ाइन इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हमने क्या करना है, क्रीम रंग से ही बुनेंगे सारे रो, हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर को भी काट दिया है और ये वाला जो कलर है इसको भी मैंने यहीं पर ख़त्म कर दिया है। अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे, फर्स्ट रूप से ही शुरू करना है। सीधी सीधी ही बुनाई अब हम करेंगे, कोई भी हम उल्टा रो नहीं बुनेंगे। अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो टोटल फंदे हैं ये 107 है, इसमें से 3 हम माइनस कर देंगे और बाकी जितने फंदे हैं उनका हाफ हाफ कर लेंगे। 3 फंदे यहाँ पर बीच में हम रखेंगे और बाकी हाफ करके 52 इस तरफ और 52 हम इस तरफ रखेंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी सारी जो रो हैं वो हम इस तरह से सीधे सीधे ही बुनेंगे, कोई भी रो जो है हमने उल्टा नहीं बुनना है। ये देखें, यहाँ से हम गिनती शुरू कर लेते हैं, 52 फंदे बुनने हैं। ये देखें, इनको हम गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो ये फंदे 52 हैं। अभी हमें 3 फंदों से यहाँ से बुनाई जो है बीच वाली बुनाई को हम ऐसे बुनेंगे। तो बीच वाले फंदे जो है हम बढ़ाते जाएंगे और ये वाले जो फंदे हैं वो घटाते जाएंगे। 3 फंदे बीच में रखकर ये वाले जो फंदे हैं ये भी हमारे 52 हैं, ठीक है। तो अभी देखें हमें किस तरह से बुनाई करनी है, 1, 2, 3, यहीं से हम इस तरफ को टर्न करेंगे।
दो तीन। अभी यहां से हम दो फंदों का एक करेंगे और इसके साथ मिला लेंगे। पीछे से हमें इस तरह से दो फंदों का एक कर लेना है। ऐसे अभी ये बीच के फंदे ये देखें चार हो गए हैं और यहीं से हम फिर से टर्न करेंगे इस तरफ को और इनको बुनेंगे चार फंदों को, दो तीन और ये चार। अभी यहां से हम दो फंदे लेंगे, इन्हें भी हमें सेम वैसे ही कम करना है पीछे से बुनते हुए ऐसे। अभी बीच के फंदे देखें पांच हो गए हैं। इस तरह दोनों तरफ से हम एक एक फंदे को कम करते जाएंगे और बीच के फंदों में से उन्हें ऐड करते जाएंगे, तीन चार और ये पांच। अभी यहां से एक फंदा कम कर देंगे और एक फंदा जो है वो हम सेंटर में रख लेंगे इस तरह से। ये एक फंदा कम हो गया है और एक जो बचा था उसे हमने बीच में रख लिया है। बस इसी तरह हमें बार बार दोहराना है और बीच के फंदे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ये दो हो गए, तीन हो गए, चार पांच छः। देखें हमने तीन से शुरू किया था, अभी बीच में छः हो गए हैं और अभी यहाँ से दो का एक करेंगे और इसको अभी बीच में मिला लेंगे। अभी बीच के फंदे सात हो गए हैं, ये देखिए। फिर से टर्न करते हैं और ये देखें यहाँ से बुनाई, बस यहाँ से बुनाई को शुरू करना है जिस तरफ आपका धागा होगा, तो बुनते हुए पूरे फंदों को बुन लें बीच के और साइड से एक एक कम करते जाएं और इसके साथ एक मिलाते जाएं। ये देखें यहां से तो बीच में देखें फंदे कितने हो गए हैं, दो चार छ आठ। तो ये देखें यहां से जो है वो हमारी सॉक्स जो है इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हमें बार बार इसको दोहराना है। एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे, एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे और उसे बीच में रखते जाएंगे जब तक हमारे पास एंड में ये छह फंदे हमें इस तरफ छोड़ने हैं और छह फंदे हमें इस तरफ छोड़ने हैं। बाकी के ये जो सारे फंदे हैं ये सारे हम कम कर देंगे और जो बीच के होंगे वो वाले फंदे जो हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसको बार बार दोहराते जाना है, आगे बुनते जाना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें जी, छह फंदे मैंने इस तरफ छोड़ दिए हैं और छह फंदे इस तरफ छोड़ दिए हैं और बाकी की बुनाई जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो अभी हमें जो है फंदों को कम करना बंद कर देना है। ये देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये जो फंदे हैं ये भी हम बिना घटाए इसमें ऐड कर लेंगे ऐसे। अभी लास्ट के स्टिच को हम इस तरह से बुनेंगे उल्टा करके। फंदों को कम करने के बाद फ्रेंड्स ये दो रो हम सीधे सीधे बुनेंगे। एक हमने बुन लिया है,
ये देखें, अभी एक और बुनेंगे। आप चाहें तो इसी रंग के साथ आगे की बुनाई को जारी रख सकते हैं या फिर एक और रंग जो है इसमें लगा सकते हैं, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो जैसे मैं बना रही हूँ, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसी रंग से आगे की बुनाई दो उल्टे दो सीधे बुन सकते हैं। तो इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा सा लंबा छोड़कर ये वाले धागे को हम कट कर देंगे। अगर आप इसी के साथ बनाना चाहते हैं तो अगली सिलाई में दो उल्टे दो सीधे बुनते हुए ऊपर का जो है बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह कलर को चेंज करना चाहते हैं तो एक रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। यहां से ऐड करेंगे, ये वाला जो धागा है इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से एक ही बार ऐसे मोड़ देंगे। बस इतना ही, बाकी सारे फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेंगे। ये देखें, ये रो हमने पूरा कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहां से ये दो फंदे हमारे इस तरह से सीधे बुने जाएंगे, ये देखें, और दो हम उल्टे बुनेंगे ऐसे, दो सीधे बुनेंगे, दो उल्टे बुनेंगे। लास्ट में ये देखिए हमारे पास तीन फंदे रह गए हैं, तो हमें इसको इस तरह से ही बुन लेना है। ये देखिए, एक जो है वो हम ऐसे बुन लेंगे। इस रो में हमें सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखें, ये दो सीधे हैं तो इन्हें सीधा ही बुनेंगे, और ये दो उल्टे हैं इनको उल्टा ही बुनेंगे। तो इन्हीं रो को हमें बार बार रिपीट करना है, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, इसी तरह रो बुनते जाएं। जितना आप ऊपर बॉर्डर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो मैं इसे इतना ही बनाऊंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 11 रो बुने हैं। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, वो देखें कि इस तरह से करना है। और ये देखें, ये सीधी साइड है इसकी, और सीधी साइड से ही आपको इसे बंद करना है। फर्स्ट लूप को निकाल लेंगे और सेकंड से शुरू करेंगे। एक फंदे के बीच में से दूसरा फंदा पास कर देना है। आप चाहे तो दो फंदों का एक करते हुए भी इसे बंद कर सकते हैं।
लास्ट का जो स्टिच है इसी के बीच में से हम धागे को पास कर देंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। अब आगे हम सर्कल नीडल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे और राउंड फंदे उठाएंगे यहाँ तक। ये टोटल 107 ही होंगे। तो चलिए फंदे उठा लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से हमें शुरू करना है और ये वाले धागे को हम साथ में ही रखेंगे। ये देखें, ये जो स्टिच हैं इनके बीच में से हमें फंदे उठाने हैं ऐसे। और याद रखिएगा ये सीधी साइड से ये हमें करना है। कोई भी जो है कलर जो है आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप नीचे का हिस्सा जो है वो क्रीम रंग से भी बना सकते हैं। ये देखें, यहीं से आपको ये वाला धागा भी हमें बीच में ही ले लेना है और जो पहले से था उसे भी ले लेंगे। यहीं से आपको पता चल जाएगा, ये देखें कि फंदे जहां से हमें उठाने हैं वो जगह, ये देखिए ऐसे। ऐसे आप उठाते जाएं। ये देखें यहां से ऐसे। सीधी साइड से ही उठाइएगा। तो मैं राउंड इसको यहां तक इसको उठा लेते हैं। अभी यहां पर देखें ये लास्ट का स्टिच है, यहां से हमें उठाना है जैसे शुरू में हमने किया था। इस तरह से ये सारे टोटल फंदे जो हैं वो 107 हैं, जैसे हमने जब इसको शुरू किया था जितने फंदे हमने डाले थे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से उल्टी सिलाई बुननी है। तो यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ से 11 फंदे हम बुनेंगे नीचे की तरफ को, तो बाकी के सारे हम बंद कर देंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। अभी हमें यहां से जो बुनाई करनी है वो उल्टा बुनते हुए हम इसको करेंगे ऐसे। फोर्टी एट फंदे हम बुनेंगे। ये देखें जी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, 48 फंदे हैं ये। तो यहाँ से आगे बीच में 11 फंदे हम बुनेंगे।
और ये देखिए ये इसका सेंटर आएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ से हम 11 फंदे बीच के बुनेंगे अब, तो 48 फंदे ही हमें इस तरफ ही छोड़ने हैं जितने हमने यहाँ पर छोड़े हैं। तो आइए अब यहाँ से हम फिर से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखें ये 11वां फंदा है। 11वें फंदे के साथ हमें ये वाला फंदा मिला लेना है और इसे 2 का 1 कर देना है, ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे बुनते हुए। ठीक, तो यहीं से अब हम फिर से टर्न कर जाएंगे। ये याद रखिएगा 48 फंदे इस तरफ हैं, 48 फंदे इस तरफ हैं और बीच के जो हैं वो 11 फंदे हैं। वो हमने किस तरह से निकाले हैं, ये टोटल फंदे 107 से, और 107 में से हमने 11 फंदे माइनस कर दिए हैं, जो बाकी बचे उनका हाफ कर दिया है। ये देखिए 11 फंदे हम फिर से बुनेंगे, 11वें फंदे के साथ हमें एक फंदा मिला के 2 का 1 कर देना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा है, और पीछे से इस तरह बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा लेते जाना है। ये देखें ये बीच के 11 फंदों की बुनाई ही हम करेंगे। अभी इस तरफ को आएंगे बुनते हुए और यहाँ से एक फंदा ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरफ को बुनाई आगी तो यहाँ से एक फंदा लेंगे। बुनाई हमें सीधी सीधी ही करनी है, ऐसे देखिए 4 फंदे हमने बुन लिए हैं, 5 6 7 8 9 10 और ये देखें ये 11वां फंदा है। इसके साथ हम ये वाला फंदा मिलाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। यहीं से फिर से टर्न कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा आ गया, और इसको इसके साथ मिलाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीच के 11 फंदे ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो ये सेंटर इसी तरह निकलेगा, पूरे फंदों में से जितने फंदे आपने यहाँ पर रखने हैं वो माइनस कर दीजिए, बाकियों का हाफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको बार बार रिपीट करेंगे और इसको आगे तक जो है बुनेंगे, और पूरे फंदे ये वाले जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये इस तरह ऊपर की तरफ ऐसे बंद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। जब हमारे पास 5 फंदे इस तरफ और 5 फंदे इस तरफ रह जाएं, फिर हमें बीच के फंदों को भी कम करना है। वो देखें हमें किस तरह से करना है। अभी यहाँ पर देखें 5 फंदे ये हैं और 5 ये है, बीच के जो हैं वो 11 हैं। दो तीन चार पाँच छ
सात आठ, आठ फंदे बुनने के बाद ये देखें, ये दो फंदों को हम कम करेंगे। साथ में साइड से भी कम करते जाएंगे और बीच के भी कम करते जाएंगे, और यहाँ पर भी हमें दो का एक करना है। अब यहाँ पर हमारे दो फंदे कम हो गए हैं, ठीक है। पहले हम एक एक कर रहे थे, अभी यहीं से फिर से टर्न करते हैं। ये देखें, दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात फंदों की बुनाई हमने कर ली, और यहाँ के दो फंदे बीच के दो का एक कर दिया, एक कम कर दिया, और साइड से जैसे हम कर रहे थे। लास्ट में जब हमारे पास तीन, ये देखें, तीन फंदे बीच में रह जाएंगे, तो उसके पहले के दो का एक कर देंगे हम, गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, और साथ ही साथ यहाँ से भी दो का एक। ये देखिए, एक फंदा यहां से कम कर दिया, 11 फंदों में से, जो पहले 11 था अब ये 11 नहीं है। ये देखिए, साइड वाले भी हमने कर लिए, तो ये एड़ी के लिए जगह बन जाती है यहां पर, और स्टिचिंग के लिए ऊपर से जितने फंदे हमें चाहिए वो रहेंगे, तो उनको इकट्ठा ही हम बंद कर देंगे। ये देखिए, अभी हमारे पास इस तरफ तीन हैं और इस तरफ दो हैं। अभी ये देखें, दोनों तरफ दो दो हैं और बीच में हमारे पांच फंदे हैं। ये देखें, अभी दो फंदों की हमने बुनाई की है, और यहां से दो का एक करेंगे, और ये वाले, यहीं से फिर से टर्न करते हैं। ये एक ही फंदा हम निकालेंगे और यहां से दो का एक, और ये दोनों का। अभी ये देखें, बीच के तीन फंदे हैं और साइड से एक एक है, एक ही फंदा निकालेंगे इस तरफ से, ये देखें ऐसे, और इसको हम बुन लेंगे। अभी क्या करना है, यहां से फिर से हम एक एक फंदा ही कम कर रहे हैं, ताकि सेंटर में जो है वो हमारे फंदे तीन बच जाएं, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से
लास्ट में हमने क्या किया है, एक एक फंदा ही कम किया है दोनों साइड से। अभी ये देखेंगे इस तरह से एड़ी के लिए जगह बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन का एक कर देंगे, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से बुनते हुए ऐसे पीछे से बुनते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जितनी हमें स्टिचिंग चाहिए उतना रख करके हम धागा कट कर देंगे। और इसी में से हमें ऐसे ही ये देखें, ये जो फंदा है इसी के बीच में से ऐसे पास कर देंगे धागे को। तो ये यहां से इस तरह से दिखाई देगा। अभी स्टिचिंग करेंगे यहां के एरिया की, और ये सीधी साइड से ही हमें करना है। अभी देखें फ्रेंड्स हमें स्टिचिंग किस तरह से करनी है। ये देखें, ये जो स्टिच है, ये देखें एक ये स्टिच है और एक ये है, इसके बीच की जो जगह है ये वाली, इस तरह से हमें नीडल को लेना है, ठीक है। तो यहां देखिए यहां से ऐसे, और यहीं से ये देखें ये दो स्टिच हैं, तो इसके बीच में से अभी ये देखें तो ऐसे आपको ये सिलते जाना है। यहाँ ये देखें, ये स्टिचिंग मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है, और जो एक्स्ट्रा धागा है वो हमने अंदर की तरफ यूँ नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। तो ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से बोटी तैयार है, और अभी हम इसको पहनकर देखेंगे कि ये किस तरह से नजर आती है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।